जिले रामबन में पोगल सरगली तुरोजा फेस्टिवल में बेहतरीन कारगर्दगी में से एक ट्रैकिंग का एहतमाम लीफ मॉन्की हाइकिंग क्लब रामबन ने जिले के नौजवानों के साथ मिलकर किया, जिसकी कयादत मुल्कराज कटूच, वरुण नागर और उनके हमरा 15 ट्रैकर भी रहे। इसके साथ साथ बीडीओ अखड़ाल अर्जुन रामपाल ने भी इसमें शिरकत की। इस ग्रुप ने पहले रोज पोगल से सरगली तक और दूसरे रोज सरगली से यमूल तालाब तक तकरीबन 25 किलोमीटर पैदल सफर तय करके ट्रैकिंग मुकम्मल की। ये सफर मुख्तलिफ पहलुओं से नतीजे खेज रहा। शिरका ने रामबन जिले में सियाहत से जुड़े हुए मकामात की तलाश के लिए आसपास की पहाड़ों के मुख्तलिफ रास्तों पर तबादले ख्याल किया। इसके अलावा ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ों पर मुकामी खानाबदोश खानदानों ने ट्रैकरों के लिए मुख्तलिफ लजीज पकवान तैयार किए। शिरका ने खानाबदोश और पहाड़ी तर्ज पर जिंदगी जीने के दौरान दरपेश मुश्किलात के सामने पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। इस तरह की ट्रैकिंग तकरीबात को मुनक्किद करवाने में मुल्कराज कटूच और वरुण नागर ने अहम रोल अदा किया है। और लीफ मॉन्की हाइकिंग क्लब के बैनर तले तकरीबन 15 मेंबरान ने हिस्सा लिया और इनकी जानिब से खाने, हिफाजती और तकनीकी आलात की जरूरी तैयारी की गई थी, जो इनके लिए जिंदगी भर का एक तजुर्बा रहा है। वरुण नागर ने वैली ऑनलाइन से बात करते हुए बताया कि ट्रैकिंग से हमारे जिस्म को जिस्मानी तौर पर फिट रखने में मदद मिलती है, साथ ही ये हमें जहनी और जज्बाती तौर पर भी मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया के कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुल्क की सियाहती नक्शे में रामबन का नाम रोशन करने के लिए सख्त मेहनत करें और रामबन के नौजवानों के लिए ये एक मौका है कि वो इस तरह के ट्रैकिंग क्लब में इनकलाब का हिस्सा बने और जिले रामबन को तरक्की याफ्ता बनाए। पेशे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए शान की ये खसूसी रिपोर्ट। जय हिंद। लीफ मॉन्की हाइकिंग क्लब की तरफ से जेके टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें एक ट्रैक करने का मौका दिया। पोगल सरगली जो एक ट्रैकिंग एरिया था, लोकेशन थी पोगल सरगली, वहां पर हमें ट्रैक करने का मौका मिला और 15 ट्रैकर्स जो प्रोफेशनल हमारी टीम के साथ थे, लीफ मॉन्की हाइकिंग क्लब के साथ थे, उन्होंने वो ट्रैक किया और सक्सेसफुली उसे कम्प्लीटेड किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान था, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान था और लीफ मॉन्की हाइकिंग क्लब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। धन्यवाद। 19-20 अगस्त को पोगल में एक फेस्टिवल का इनकार किया गया, जिसका हायर सेकेंडरी पोगल से फ्लैग ऑफ कराया गया और सरगली की तरफ जो है ये ट्रैक गया था। इसकी लीड जो है लीफ मॉन्की हाइकिंग क्लब कर रहा था और इसमें नाइट स्टे जो है सरगली में की और मॉर्निंग में वहां से हम यूमन तालाब जो है एक पिकनिक स्पॉट है वहां पर जो है हमारा एक ग्रुप गया और उसमें 13-14 लोग जो है जो हमारे साथ ट्रैकर थे, उसमें हमारे गाइड जो है पोगल वेलफेयर वॉलंटियर्स जो है हमारे गाइड थे, इसमें हमारे साथ अर्जुन रामपाल, बीडीओ उखड़ाल जो है वो भी हमारे साथ एक ट्रैकर का हिस्सा बने। तो इस ट्रैक का मकसद ये था कि जो अनटैप लोकेशन है उन्हें टैप करना और जो अनएक्सप्लोर जगहें उन्हें एक्सप्लोर करना और दूसरा जो यूथ जो है ड्रग्स और पबजी जैसी गेमों की तरफ लगे हैं उन्हें जो है इस तरफ मुतवजा जो है करना था। और इसमें हमारे साथ अच्छे ट्रैकर जो है मौजूद थे, हमारे साथ वरुण सर, वरुण नागर सर जो इस लीफ हाइकिंग क्लब की जो है लीड कर रहे थे, मुल्कराज सर, रॉबिन कोल सर जो अच्छे प्रोफेशनल ट्रैकर हैं ये हमारे साथ थे। और इसमें जो है जेके टूरिज्म की तरफ से और रामबन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ये प्रोग्राम करवाया गया था, इसमें जो है पोगल वेलफेयर वॉलंटियर्स ने जो है शाना बशाना हमारा साथ दिया, बहुत अच्छी लोकेशन थी, अच्छी जगहें जो है हमें दिखाई, हम वहां तक पहुंचे और मैं तमाम इन ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्हें हमें ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म जो है हमें मुहैया कराया और वहां उस लोकेशन तक हम पहुंचे, तो मैं तमाम का जो है शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।